अलक्क़म मेरा नाम सैन डिसोजा है एंड वेलकम टू इन्वेस्टर्स लाउंज पॉडकास्ट जहाँ हम डिस्कस करते हैं एवरी थिंग रिलेटेड टू सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग चाहे वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग हो चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो म्यूचुअल फंडस हो या फिर इंश्योरेंस हो ये वो अहम स्किल्स हैं जो आपको आनी तो चाहिए पर आपको सिखाई नहीं जाती तो आज हमारे साथ मौजूद हैं साद कुरेशी साहब जिनका 20 साल का तजुर्बा है म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री का 2004 में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया उस वक्त इंडस्ट्री थी तकरीबन 100 बिलियन की आज 2024 में यही इंडस्ट्री 2000 बिलियन या 2 ट्रिलियन की है हमने इनको आज इन्वाइट किया ही इसलिए ताकि ही इज़ एबल टू डिस्कस विद अस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट चॉइसिस जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है विच इज़ म्यूचुअल फंड्स सो साद भाई वेलकम टू द शो थैंक यू वेरी मच सर अच्छा साद भाई जस्ट टू स्टार्ट ऑफ थिंग्स वेरी क्विकली एज पाकिस्तानी हम बड़े अनफॉर्चुनेट हैं कि ना स्कूल ना घर ना यूनिवर्सिटी इन सब में हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन की रसाई बहुत लिमिटेड है स्टॉक मार्केट शेयर बाजार स्टॉक्स का शायद फिर भी किसी ने सुना हो पर म्यूचुअल फंड ऐसी चीज़ है जो शायद किसी ने लफ्ज़ ही नहीं सुना तो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू और फर्स्ट रिक्वेस्ट यू वुड बी के आसान अल्फाज में अगर आप समझा सकें कि म्यूचुअल फंड्स क्या है उनकी अकसाम क्या है और पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में ये किस तरीके से ज़रूरत या इम्पोर्टेंट चीज़ बन सकती है ओके okay. अच्छा सैनन जब हम म्यूचुअल फंड्स को एज़ ए प्रोडक्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी प्रोडक्ट है जिसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना या स्किल बिल्ड करना एक, एक मुश्किल काम है एक्चुअली ऐसा है नहीं अगर आप म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट देखें तो वो बहुत ही सिंपल है बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो इन्वेस्टमेंट एक पूल में जमा होती है और फिर उस पूल को जो फ़ंड मैनेजमेंट कंपनी होती है जिस तरह अलफला इन्वेस्टमेंट्स है या बाकी बहुत सारी और दूसरी ए हैं वो फर्दर इन्वेस्ट करती हैं इन डिफ़रेंट एवेन्यूज़ अब ये जो एवेन्यूज़ होते हैं ये डिफरेंट तरीक़े के एवेन्यूज़ होते हैं इनको कहते हैं एसिड क्लासेस राइट कहीं भी दुनिया में जनरली जो एसेट क्लासेस हैं मेन वो होती हैं मनी मार्केट इनकम एक्विटी कमोडिटीज़ और रियल स्टेट सही ये पांच मेन एसेट क्लासेस हैं जो किसी भी इकोनॉमी के अंदर फंक्शन कर रही होती हैं पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ऑलमोस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ऑडियर्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज टू हैव स्टार्टेड बिजनेस तो एसेट क्लासेस की जो डेवलपमेंट है वो लिमिटेड हुई है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो अवेलेबल एसेट क्लासेस हैं वो है मनी मार्केट ठीक है इनकम एंड एक्विटी दीज आर द मेन वंस और उसके बाद फिर इन्हीं के अंदर हाइब्रिड फंड्स एसेट एलोकेशन फंड्स और दूसरी मिक्स एंड मैच करके कॉम्बिनेशनस को म्यूचुअल फंड्स क्रिएट किए गए साथ ही मैं आपको सिर्फ इस बात पर रुकूंगा अगर आप मुझे और बेहतर एक्सप्लेन कर सकें कि एक्विटी और मनी मार्केट और इनकम में इन तीन चीज़ों में क्या फ़र्क है अच्छा देखें इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आ, जो रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप है ना वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न ये हमारे सारे के सारे जिसके सामीन हैं या नाजरीन है उन्होंने सुना हुआ होगा अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा रिस्क आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर लेंगे उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस इन्वेस्टमेंट से राइट सो so, ये जो डिफरेंट एसिड क्लासेस हैं इनका रिस्क रिटर्न का जो प्रोफाइल है वो डिफरेंट है कैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं विद इन वन ईयर उसकी मच्योरिटी होती है एंड दीज आर फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स ठीक राइट इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं बैंक डिपॉजिट्स आ जाते हैं थ्री मंथ सिक्स मंथ वन ईयर वाले डेली प्रोडक्ट अकाउंट्स आ जाते हैं बैंक के साथ इसी तरह गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स जो स्टेट बैंक इशू करता है और गवर्नमेंट इशू करती है वो भी वन ईयर के अंदर अंदर की मेच्योरिटी के या टेनर के होते हैं इसके अलावा कुछ कमर्शल पेपर्स जो कॉपोरेट्स या इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इशू करते हैं डेट रेजिंग के लिए फ्रॉम द मार्केट राइट तो ये तीन मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मनी मार्केट के अंदर कैटेगराइज होते हैं और अगर मैं सही समझाऊ तो इनका रिस्क या तो है ही नहीं या कम है वेरी लो दीज आर कैटेगराइज एज वेरी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स और वो रिस्क भी जो होता है वो या तो उनका क्रेडिट रिस्क होता है इन केस ऑफ कमर्शियल पेपर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के केस के में वो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट मूवमेंट आ रही है आगे जाके बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो उससे उनके रिटर्न में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है एंड दैट इज़ इट बैंक डिपॉजिट के केस में भी इंटरेस्ट रेट रिस्क ही आता है या बैंक का जो है वो अगर क्रेडिट रिस्क होता है वो तो बहुत ही लो होता है क्योंकि बैंक तो आपको पता है कि वो तो बेसिक इंस्टिट्यूशन है जो आपके पैसे को सेफ गार्ड कर रहा होता है या कस्टडी प्रोवाइड कर रहा होता है राइट सो मनी मार्केट ये हो गया इसी तरह से इनका अगर इंस्ट्रूमेंट्स का ड्यूरेशन आप बढ़ा लें या मेच्योरिटी या टेनर बढ़ा लें तो वो इनकम कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं फॉर एक्ज़ाम्पल पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स जिसकी मेच्योरिटी जो है थ्री ईयर फाइव ईयर टेन ईयर ट्वेंटी ईयर्स हो सकती है और ये भी गवर्नमेंट के इशूड बॉन्ड्स होते हैं इसी तरह से टी एफ सी टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स या इस्लामिक के केस में सुकूक्स यू नो थ्री ईर्यर्स फाइव ईयर्स सेवन ईयर्स मेच्योरिटी इसी तरह से बैंक के टर्म डिपॉजिट्स या टी जो कि वन ईयर प्लस होते हैं टू ईयर टी डी आर थ्री ईयर टी ये सारे के सारे इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका भी रिस्क बहुत लो होता है लेकिन डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट रिस्क इसका थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि इन ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन जब डिस्काउंट रेट चेंज हो रहा होता है तो उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर सिग्निफिकेंट आ रहा होता है दैट इज़ द ओनली रिस्क दैट दे कैरी परफेक्ट नाउ द थर्ड एसिड क्लास इज इक्विटी एक्विटी सबको पता है कि वो स्टॉक मार्केट है अब वो एक रिस्की एसेट क्लास है क्यों क्योंकि शेयर्स की प्राइस मूवमेंट जो है वो बड़ी रेगुलर बेसिस पे हो रही होती है वो नीचे भी जा रही होती है वो ऊपर भी जा रही होती है तो अगर आज मैंने सौ रुपये किसी शेयर में इन्वेस्ट किए हैं तो वो कल नाइन्टी नाइन नाइन्टी फाइव भी हो सकते हैं और कल वो वन जीरो फाइव वन हंड्रेड टेन भी हो सकते हैं राइट right? सो so ये डेली बेस पर क्योंकि मूवमेंट आती है तो इसमें बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी आ जाती है दैट इज़ वाई वी कॉल इट अ रिस्की इन्वेस्टमेंट बट हैविंग सेट दैट उसके साथ उसका जो पोटेंशियल रिटर्न होता है एनुअल बेसिस पे या लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो भी बहुत ज़्यादा होता है अगर आजकल हमारी इकोनमी में या मुल्क में ट्वेंटी टू परसेंट का डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट है तो स्टॉक मार्केट का रिटर्न जो है वो थर्टी परसेंट के अराउंड होना चाहिए, चाहिए? क्योंकि उसमें एट टू टैन परसेंट का रिस्क प्रीमियम आप ऐड कर लेते हैं राइट सो right? so, ये तीन मेन एसेट क्लासेज हैं जिनके अंदर पाकिस्तानी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं अब हम आ जाते हैं एक दूसरे एंगल की तरफ और वो है इस्लामिक और कन्वेंशनल का डिफरेंस बहुत सारे लोग जो शरिया कम्पलाइंट को एज़ अ फिलोसफी अडॉप्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए या अपनी सेविंग्स के लिए वो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स को तरजीह दे सकते हैं या इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स को तरजीह दे सकते हैं दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस ये है कि इस्लामिक म्यूचुअल फ़ंड शरिया कम्पलाइंट के कम्पलाइंस के सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है और उसको फॉलो करता है और कन्वेंशनल जो हैं वो रेगुलर कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं राइट right? तो अगर आपको 100 परसेंट इस्लामिक इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप इजीली और बग़ैर किसी धड़के के इस्लामिक म्यूचुअल फ़ंड्स के अंदर इन्वेस्ट करके अपनी वो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं परफेक्ट अच्छा साहद भाई बड़े इंटरेस्टिंगली हम लोग इन्वेस्टर लॉन्च में हम लोग की कोशिश ये थी कि म्यूचुअल फ़ंड का एक प्रॉपर कोर्स हो उसकी आधी रिक्वायरमेंट्स तो आपने पूरी कर दी क्योंकि अब मुझे अगर मैं पहली दफ़ा भी ये सुन रहा होता तो बहुत क्लियर है मेरे लिए कि म्यूचुअल फंड्स है क्या ऑपरेट कैसे करती है क्या इकसाम है इसकी राइट right? और रिस्क और रिटर्न का क्या um, इसके अंदर अप्रोच है टुवर्ड्स दिस बट अगर आज मैं आपको सुनने के बाद एज डिसूजा ये देखूं कि मेरे लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स बेहतर साबित हो सकते हैं अब मसला ये है कि तकरीबन मेरे जहाँ तक जायजा है 40 ए हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज साढ़े तीन से ज़ायद जो हैं वो फंड्स हैं मौजूद अब एक आम इंसान जो है जब समझ जिसने समझ लिया है कि एक चीज़ क्या है वो कैसे डिटरमिन करे कि कौन से फंड्स उसके लिए बेहतर हैं ठीक है अच्छा सैनन एक तो ये चीज़ है कि फोर्टी नहीं है अब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की तादाद अराउंड ट्वेंटी है ठीक है वो कम भी हो गई हैं कुछ मर्ज भी हो गई ना एज एन इंडिविजुअल फॉर एनी बडी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट असेस देयर ओन नीड्स ठीक है मैं जब भी इन्वेस्ट करने जाऊंगा पहले मैं अपनी नीड को एवेलुएट करूंगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट नीड है क्या या तो मैं वो शख्स हूँ जो कि एक सर्टन एज ब्रैकेट में हूँ और अपनी सेविंग्स बहुत सारी मैंने जो जमा की हुई हैं उसके ऊपर मैं रिटर्न अर्न करना चाहता हूँ ठीक है तो वो है कैपिटल ग्रोथ की स्ट्रेटजी इसी तरह से हो सकता है कोई इन्वेस्टर ऐसा इन्वेस्टर हो जो कि सारी ज़िंदगी उन्होंने यू नो प्रोफेशनली वर्क किया हो और अब उनकी जो सेविंग्स हैं उससे वो रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हों ठीक है या मैं एक यंग प्रोफेशनल हूँ जिसने अभी सेविंग स्टार्ट की हैं और मैं चाहता हूं कि गोल ओरिएंटेड अपनी सेविंग्स करूं यानी कि पाँच साल बाद मैंने गाड़ी लेनी है और लोन से नहीं लेनी अपने पैसे से लेनी है तो उसके लिए मुझे आज पता होना चाहिए कि मैंने आज कितनी सेविंग्स मंथली बेसिस पे करनी है कितने रिटर्न के ऊपर इसको इन्वेस्ट करना है ताकि पाँच साल बाद मेरे पास वो कैपिटल जनरेट हो चुका हो या वो वेल्थ क्रिएट हो चुकी हो जिसकी बेसिस पे मैं गाड़ी बाय कर सकूँ राइट सो ऑल दीज गोल्स आर डिफरेंट गोल्स एंड मेरा इसी इन्हीं गोल्स के बेसिस के ऊपर मेरा रिस्क प्रोफाइल या जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होगी वो डिफरेंट होगी राइट सो फॉर एग्जाम्पल एक यंग सेवर है, जो कि आज या एक साल पहले या दो साल पहले जिसने अपनी जॉब स्टार्ट की एंड ही इज एबल टू यू नो सेव सम मनी फॉर हिज फ्यूचर नीड्स या टू बिल्ड हिज वेल्थ उसके लिए जरूरी है कि एक तो ये रूल ऑफ थम हमारे यंग सेवर्स के लिए वेन एव यू अर्न फर्स्ट सेव दे स्पेंड अगर स्पेंडिंग के बाद आप सेविंग स्टार्ट करेंगे तो वो कभी नहीं बचेगीटली ठीक exactly. है जो आपने सेविंग्स कर ली अब आप उसको मंथली बेसिस के ऊपर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट फॉर एग्जांपल अगर आप लो रिस्क या रिस्क अवर्सिव इंडिविजुअल हैं और आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते आप सिंपल मनी मार्केट इनकम फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं राइट right? जिसमें कोई रिस्क सच होता नहीं है जो रिस्क है वो छोटा मोटा जो वॉलीटिलिटी है जो इंस्ट्रूमेंट uh, की प्राइसिंग से जो वॉलीटिलिटी निकलती है वो है लेकिन अदर देन दैट जो भी इकोनॉमी में डिस्काउंट रेट चल रहा होगा प्रिवेलेंट उसी के अराउंड आपका रिटर्न जनरेट हो रहा होगा एनुअल बेसिस के ऊपर राइट अच्छा नाउ सिंस इट्स अ म्यूचुअल फंड एंड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड तो इसमें कोई लिक्विडिटी के भी इश्यूज नहीं होते फॉर एग्जांपल आपने आज इन्वेस्ट किया और आपको चार दिन बाद अपने पैसे लिक्विड कराने या विड्रॉ कराने आप इजीली करा सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी सो दिस इज़ अ बिग 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 एडवांटेज फॉर एनी इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट करता है मनी मार्केट इनकम फंडस के अंदर और वो अपने पैसे को किसी भी टाइम पर विद्रॉ करके यूज़ करना चाहता है देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट ठीक सो तीसरी चीज जो इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए वो ये कि एज ए इन्वेस्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड के एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो रोल है वो सिर्फ फंड मैनेजमेंट का है तो उसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है कोई भी म्यूचुअल फंड जो मैनेज हो रहा होगा उसके ऊपर लेट से अगर ट्वेंटी परसेंट का रिटर्न आ रहा है तो दैट इज नेट ऑफ ऑल कॉस्ट वो नेट रिटर्न आपको मिल रहा होगा ट्वेंटी परसेंट का जो कि आपको नजर भी आ रहा होगा डेली बेसिस पे ऑन द वेबसाइट एंड उसकी जो प्राइसिंग चल रही होगी उसके हिसाब से या कंपनी वेबसाइट से, वेब से तो आपको ये चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल होंगी वाई बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री एंड वेरी वेल रेगुलेटेड इंडस्ट्री राइट दूसरी चीज़ अगर किसी को अपनी वाकई वेल्थ क्रिएशन करनी है और वो यंग एज में है तो हमारी एडवाइस ये होती है कि आप लॉन्गर ड्यूरेशन अपना वो रखें इन्वेस्टमेंट हॉराइजन और इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट रिस्क लें वाई बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ फाइव सेवन टेन ईयर्स इक्विटी के अंदर जो एवरेज रिटर्न होंगे एनुअल वो बहुत बेहतर होंगे कंपेयर टू फिक्स इनकम और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स राइट अच्छा इसमें एक और भी स्ट्रैटेजी हो सकती है वो ये कि जो यंग सेवर्स हैं उनको ये पता है कि यार मैं अगर दस हज़ार रुपये सेव कर रहा हूँ ना महीने के या ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज सेव कर रहा हूँ महीने के तो उसमें से मैं फिफ्टी परसेंट जो है वो इक्विटी फंड में जाऊंगा और फिफ्टी परसेंट अपना मनी मार्केट में रखूंगा जो मनी मार्केट की इन्वेस्टमेंट है वो मैं किसी भी टाइम पे विड्रॉ करा सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम विदाउट एनी यू नो कंसर्न्स और जो एक्विटी है उसको मैं नहीं छेड़ूंगा फॉर लॉन्ग टर्म क्योंकि उस पर मेरी कंपाउंडिंग भी हो रही होगी उसमें मेरी कॉस्ट एवरेजिंग भी हो रही होगी क्योंकि मैं मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसमें मेरा जो रिटर्न है दैट वुड बी मच बेटर एट द एंड ऑफ द टेनर जहाँ पर मैंने वो गोल सेट किया हुआ है जो गोल मैंने अचीव करना है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम परफेक्ट अच्छा साहब भाई आपने काफ़ी चीज़ें तो उसके अंदर कवर ही कर दी हैं जो कि कॉमनली मिसकनसैप्शन से गलत फहमियाँ होती हैं अच्छा जो आपकी बात है जो जो मैं समझ पाया हूँ उसमें एक दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं एक तो हमारे इन्वेस्टर्स का या यंग लोगों का जो एंकर है जो बार है या बेंच है वो शायद बहुत दफ़ा गलत हो जाता है वो देखते हैं बहुत दफ़ा क्रिप्टो या कभी सुन लिया किसी से रियल एस्टेट का किसी से फाइल का सुन लिया अब वो जब मनी मार्केट में भी आएंगे ना सोचेंगे मेरा पाँच सौ परसेंट क्यों नहीं बन रहा है एक डेढ़ साल में पाँच सौ परसेंट नहीं, नहीं बनना तो ये तो कोई रिटर्न ही नहीं होता या आप डिस्काउंट रेट ऊपर है आप जब नीचे जाएगा तो उनकी एक्सपेक्टेशन इज बिकॉज इट्स नॉट लिंक टू ग्राउंड रियालिटीज़ तो बहुत दफ़ा गलत हो जाता है दूसरा वो ये भूल जाते हैं कि रियल इस्टेट में अगर पहली बात तो आप दस हज़ार से पाँच हजार से सौ रुपये से आप कर नहीं सकते ठीक है दूसरा अगर रियल इस्टेट तो आपके पास बहुत पैसे हैं भी सही तो रियल इस्टेट का आप ये नहीं कर सकते कि इतना आसान नहीं है किसी को फाइल कली बेच कर लिक्विडिटी हासिल करना वाई आई दिस अप इज़ बिकॉज फाइनेंस या इन्वेस्टिंग की दुनिया में जस्ट लाइक एनी अदर सीमिंगली कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स चांस ज़्यादा होता है कि मिसकनसप्शन uh, या गलत फहमियाँ पैदा हो और ये कंपाउंड ही होता है क्योंकि लोग किसकी बात सुनेंगे आपने, अपने दोस्त की बात सुनेंगे या चाचा की बात सुनेंगे या अब नया ट्रेंड है कि किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुन ली hmm. बिलीव कर लिया तो हमने एक सेगमेंट डिज़ाइन करने की कोशिश की है आ, गलत फहमियाँ या मिथ्स को बस्ट करने के लिए एंड इज कॉल्ड यार मैंने तो सुना है क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस यार मैंने तो ये है यार मैंने तो ये सुना है yeah. यार मैंने तो ये सुना है एंड दैट बिकम्स अ कोर बिलीफ तो कुछ हमने मिसकनसैप्शन या मिथ्स जमा किए हैं जो आई वुड लाइक फॉर यू टू क्लेरिफाई विद द ऑडियंस वे इज ट्रू और नॉट पहली मिथ या पहली गलत अगर है तो ये कि अगर मैं म्यूचुअल फंड में अपने पैसे डालता हूँ तो मेरा पूरा पैसा या ज़्यादातर पैसा उड़ सकता है इसमें कितनी सदाकत है अगेन वी कम बैक टू दैट रिस्क रिटर्न प्रोफाइल का जो ट्रेड ऑफ है अगर मैं अपने पैसे मनी मार्केट या इनकम फंड्स में डाल रहा हूँ तो उसमें पैसा उड़ने की तो कोई पॉसिबिलिटी um, नहीं क्यों इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं रिस्क ले रहा हूँ वो मेरे प्रॉफिट के रेट के अंदर जो छोटी मोटी फ्लक्चुएशन है उसके ऊपर ले रहा हूँ कैपिटल के ऊपर तो मैं रिस्क ही नहीं ले रहा हूँ बेसिकली जो रिस्क हैं वो मैंने आपको वैसे बता दिए कि इंटरेस्ट रेट रिस्क है और क्रेडिट रिस्क है ये दो मेजर रिस्क होते हैं अच्छा जो क्रेडिट रिस्क है वो अगर म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो तो सॉवरन रिस्क है तो कंट्री रिस्क है ठीक है ठीक है तो वो क्रेडिट रिस्क वहाँ तो अप्लाई ही नहीं होता क्रेडिट रिस्क अप्लाई होता है इंस्टीट्यूशंस के केस में uh, जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो भी अगर कोई आदमी ये देख के इन्वेस्टमेंट करे या ये सोच के इन्वेस्टमेंट करे कि यार मैं अगर आज इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो डिस्काउंट रेट्स ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है अगर डिस्काउंट रेट्स ने आगे जाके ऊपर जाना है और मैं अभी किसी ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ जो लॉन्गर ड्यूरेशन पोर्टफोलियो लेके बैठा हुआ है तो वहाँ प्रॉफिट हिट होने का रिस्क ज्यादा है सही राइट right? क्योंकि आज मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा लेट से आप दो साल पहले की इन्वायरमेंट ले लें टी ट्वेंटी की जब डिस्काउंट रेड था सिक्स परसेंट का आज डिस्काउंट रेट ट्वेंटी टू परसेंट का ठीक है सो इज़ अ मार्क डिफरेंस अगर किसी ने दो साल पह, पहले ट्वेंटी ट्वेंटी वन में कोई दो साल के फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया होता टीडीआर ले लिया होता है कोई भी इस तरह की चीज़ तो वो दो साल तक सिक्स परसेंट पर अर्न कर रहा होता जबकि मार्केट जो है वो ट्वेंटी टू परसेंट पहुंच चुकी है लॉक टेक तरीके से लॉक टेक तो वहां पे उसको वो अपॉरचुनिटी लॉस ही इतना बड़ा होता कि वो जिस हिसाब से इन्फ्लेशन जा रही है जिस हिसाब से दूसरे इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ सिक्स परसेंट का रिटर्न दे रही है म्यूचुअल फंड में क्या होता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में कि जैसे ही डिस्काउंटेड चेंज होता है नए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं तो म्यूचुअल फंड फ़ौरन उन इंस्ट्रूमेंट्स को बाय कर लेता है ताकि उनका जो अपना रेट ऑफ रिटर्न है वो अलाइन रहे विद द डिस्काउंट रेट चेंजेस सेम इज द केस व्हेन द डिस्काउंट रेट इज मूविंग डाउनवर्ड्स यू नो उसमें ये डिटर्मिन करना कि डिस्काउंटेड साइकिल कहाँ है ये हमारा काम है ठीक है एंड दैट इज वाई वी चार्ज मैनेजमेंट फी क्योंकि हम वो फंड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं इसी की मैनेजमेंट फी या सर्विस फी एब्सोल्युटली तो इन केस ऑफ मनी मार्केट इनकम फंड्स आप ये तो रिस्क अपने जहन से निकाल दें कि मेरे सारे पैसे उड़ जाएंगे इक्विटी के अंदर ये जरूर है कि कैपिटल के ऊपर ज़रा ज़्यादा रिस्क आ जाता है क्यों क्योंकि इक्विटी मार्केट जो है वो काफी वॉलिटाइल भी है और काफी ज्यादा उसके अंदर डिप भी आ सकती है एंड एक्जैक्टलीट इज वाई वी से कि शॉर्ट टर्म के अंदर एक्विटी मार्केट एक्सपोजर ना लें मतलब एक्विटी मार्केट में आपने इन्वेस्ट करना है या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो डोंट गो फॉर थ्री मंथ सिक्स मंथ के यार इसमें मेरे पैसे डबल हो जाएंगे ये मुझे टिप मिल गई है और इसकी बेसिस पे इस शेयर की प्राइस डबल हो जाएगी तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूँ वो ज़रूरी नहीं है इट वर्कस आउट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट डज नॉट शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में जरूर है कि अगर एक कंपनी जो है वो अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है और उसके शेयर में मेरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट की हुई है तो वहाँ पर आपका रिटर्न सिग्निफिकेंटली बेटर होगा थ्री फाइव सेवन ईयर्स टेन ईयर्स के ऊपर ठीक है और उसको जब आप एनुलाइज उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको बेटर देन मनी मार्केट एंड फिक्स इनकम एनुलाइज रिटर्न देके जा रहा होगा राइट सो दिस इज़ हाउ यू मेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू कीप योर रिस्क अंडर मैनेजेबल कंट्रोल ठीक सेकेंड जो मुझे कॉमन uh, गलत फहमी लगी लोगों में वो ये है कि लोग काफ़ी दफ़ा ये बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड अगर मैंने पैसा डाल लिया तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं निकाल नहीं सकूंगा। hmm. तो इसकी इस बात में कितनी हकीकत? Uh, ये भी बिल्कुल मिसकनसेप्शन uh, क्योंकि मैंने अभी जैसे डिस्कस हम लोगों ने किया था कि म्यूचुअल फंड इज़ अ वेरी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट आपने आज पैसा डाला आपको एक हफ्ते बाद पैसा वापस चाहिए आप आराम से निकाल सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी ठीक okay. है फ्रंट एंड लोड एक चीज़ होती है फ्रंट एंड लोड क्या होता है वो फ्रंट एंड कमीशन होता है जो कंपनीज अपनी सेल्स को और मार्केटिंग के एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए चार्ज करती हैं वो वन परसेंट वन पॉइंट फाइव परसेंट टू परसेंट होता है मैक्सम ठीक है अच्छा होता क्या है कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करते वक्त फ़्रंट एंड लोड पे किया हुआ है वन परसेंट वन पॉइंट फाइव परसेंट का तो उसकी कवरेज का थोड़ा सा टाइम होता है फॉर एग्जाम्पल जो रिटर्न आ रहा है उसमें लेट्स वन मंथ में या ट्वेंटी डेज़ में वो फ्रंट एंड लोड कवर हो गया उसके बाद मैं आराम से निकालता हूँ उससे पहले भी निकाल सकता हूँ oh. लेकिन उसमें हो सकता है पॉइंट फाइव परसेंट का नेगेटिव या पॉइंट टू फाइव परसेंट का नेगेटिव रह गया ऑफ फ्रंट एंड लोड जो मेरा कवर ना हुआ रिटर्न की वजह से लेकिन निकाल मैं फिर भी सकता हूँ एज अ कंपनी एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इट इज माई फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिडीम द फंड वेन एवर आई रिसीव रिडेम्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम एन इन्वेस्टर राइट सो इट्स वेरी क्लियर एंड दैट इज वाई सी कि इट्स सो so वेल रेगुलेटेड द एंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कि उसमें हर तरीके से इन्वेस्टर्स के राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं और इन्वेस्टर्स की जो कन्वीनियंस और उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो मैनेज करने के लिए रेगुलेशंस जो हैं वो फ्रेम हुई हुई एंड देयर आई वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू एक्नोलेज एंड अप्रीशिएट हाओ एस आर रेगुलेटर हैज़ एक्चुअली डिवेलप्ड इट्स पॉलिसीज एंड रेगुलेशन फॉर द इंडस्ट्री ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ अरसे पहले चले जाएँ तो ज़ाहिर है पॉलिसीज में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी बट एवरी नाउ एंड देन एस सी सी पी कीप्स रिवाइजिंग देयर रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ सो दैट इन्वेस्टर की जो प्रोटेक्शन है ना राइट्स की और जो ट्रांसपेरेंसी है एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर वो हर वक्त इम्प्रूव होती रहे सो so, अभी भी जो एस सी सी पी का मेन फोकस है वो इन्वेस्टर अवेयरनेस क्रिएशन के ऊपर है mm. कि इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती रहे हर ए अपने प्लेटफॉर्म से सो दैट वेनएवर इट कम्स टू मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर इन्वेस्टर ही नोज़ एग्जैक्टली वॉट ही इज़ गेटिंग इन टू ही नोज़ एग्जैक्टली द रिस्क प्रोफाइल ही नोज़ एग्जैक्टली कि उसके फंड में क्या फीचर्स हैं क्या वो अवेल कर सकता है क्या वो अवेल नहीं कर सकता ट्रांसपेरेंसी है ट्रांसपेरेंसी है और uh, uh, साथ भाई जो आखिरी मैं मिसकनसैप्शन जो बड़ा कॉमन था ई वुड लाइक टू डिज कि लोग पूछते हैं कि उनको एटलीस्ट uh, परसेप्शन जाता है कि पता नहीं हमें कितना पैसा चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए तो अभी फिलहाल सबसे जो कॉमन ऑप्शन है या लो लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको आप कह लें uh, वो क्या है व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट आई कैन इन्वेस्टिंग टू बिगिन सो मिनिमम का तो कोई मसला ही नहीं है अच्छा और जो बेस्ट पार्ट है ना म्यूचुअल फंड के अंदर दैट इज द पारी पासू अरेंजमेंट दैट मीन्स कि अगर छोटा इन्वेस्टर है या बड़ा इन्वेस्टर है इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस ओके सबको रिटर्न सेम मिलेगा तो दिस इज अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स या जिनके पास इवन कम पैसे भी हैं कि वो बजाय इसके कि अपनी सेविंग्स जो है वो बैंक के सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में रखें वो सीधा सीधा जैसे ही वो सेविंग बिल्ड हो एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द टाइम ऑफ द सैलरी वो सीधा सीधा म्यूचुअल फंड का अकाउंट खुलवाएं और सीधा बैंक से वो ट्रांसफ़र करें म्यूचुअल फ़ंड अकाउंट में अपने और ये तो बहुत आसान हो गया है वाई बिकॉज हर म्यूचुअल फ़ंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपनी एप्स लॉन्च कर दी यू नो सो अगर आप अल्फला को देखें तो अलफिला इन्वेस्टमेंट्स की जो ऐप हैं वो एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल हैं वो आईफोन के लिए भी, भी अवेलेबल है राइट सो so, दोनों चीज़ों में आप ऐप के थ्रू अपना अकाउंट रजिस्टर कराएं अकाउंट ओपन कराएं और इजीली अपने बैंक के थ्रू बल्कि अब तो हम लोगों ने रास्त को भी इनेबल कर दिया है रास्त के थ्रू ट्रांजेक्शन यानी कि विदाउट एनी चार्ज यू कैन एक्चुअली ट्रांसफर योर फंड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू म्यूचुअल फंड एंड देन गेट रिसीव इट बैक योर बैंक अकाउंट ब ने लॉन्च किया ने रास्त इनेबल कर दिया आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू के अल्फला का करंटली अभी विजन या जर्नी ऐसी क्या चीज़ें हैं दैट यू फॉर दिस क्वेश्चन आई वॉज होपिंग इन्वेस्टमेंट्स इज डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स विच नीड टू बी नोन और अंडरस्टड बाई इन्वेस्टर्स देखिए एक आपने बल्कि हमने एक एसेट क्लास की बात की थी विच इज रियल स्टेट राइट या प्रॉपर्टी मार्केट अलफला ने अभी रिसेंटली इनिशिएटिव लिया है टू लॉन्च रीट इन पाकिस्तान प्रीवियसली रीट कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एग्जैक्टली सो प्रीवियसली रीट फंड्स वर बीइंग मैनेज्ड बाय अदर देन दी एम दो तीन कंपनीज थी जो कर रही थी लेकिन अलफला ने एज एन एम का लाइसेंस लिया एस जी पी से लास्ट ईयर उसके बाद एक टीम बिल्डअप की और अब हम लोग रीट प्रोजेक्ट्स के अंदर आइडेंटिफिकेशन uh, करके और रीट प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने जा रहे हैं उसमें रेजिडेंशियल रीट्स भी हो सकती हैं उसमें डेवलपमेंट रीट भी हो सकती है उसमें कमर्शियल रीट भी हो सकती है नाउ रीट uh, क्यों इम्पोर्टेंट है इसलिए कि अगर मैंने आज अपने घर बनाने के लिए सेविंग्स करनी है ना नेक्स्ट टेन ईयर्स के लिए फ़िफ्टीन ईयर्स के लिए तो मैं किसी भी और एसेट क्लास के थ्रू अगर वो सेविंग बिल्ड करूँगा या इन्वेस्टमेंट करूँगा तो उसका रिटर्न और रियल स्टेट सेक्टर का रिटर्न उसमें डिफरेंस हो सकता है, है राइट तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट अगर मुझे एक रीट फंड अवेलेबल हो जहाँ पे मैं स्मॉल अमाउंट से रियल स्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करूँ तो उसका रिटर्न वही रिटर्न होगा जिस रेट से मेरी प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ रही होंगी तो मुझे ये पता होगा कि मैं जितनी भी सेविंग्स बिल्ड कर रहा हूँ वो इवेंचुअली मुझे वो रिटर्न दे रही होंगी कि जिससे मेरी जो प्रॉपर्टी प्राइस के अंदर इन्फ्लेशन है ना उसको मैं मोर और लेस मैच कर सकता हूँ राइट सो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ सेविंग फॉर अ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ फिफ्टीन टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ईयर्स बाई इन्वेस्टिंग इन टू अ फंड नाउ द द बेनिफिट इज के अदर देन दैट मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता अगर मेरे पास वो पूरी अमाउंट अवेलेबल नहीं।, नहीं है मैं आज मेरे पास पांच लाख की सेविंग है मैं पांच लाख से कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकता लेकिन पाँच लाख से मैं इजीली अपने रीट फंड में इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकता हूँ जो कि दस साल बाद भी मुझे वो अमाउंट uh, देके जाएगा जो कि पाँच लाख की इक्विवेलेंट अमाउंट उस टाइम पे होगी प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी में राइट right? सो so, रीट फंड्स हम लोग इन uh, इसी तरह से एक और सेगमेंट है विच इज अनलिस्टेड इक्विटीट प्राइवेट इक्विटी राइट अभी तक जो इक्विटी की हमने बात की थी वो सारी लिस्टेड इक्विटी है जो कि लिस्टेड कंपनीज जिन हैं जिनके शेयर्स मौजूद हैं फ्लोटेड इन द मार्केट एंड ट्रेडेड इन द मार्केट बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अनलिस्टेड होती हैं एंड दे वांट कैपिटल टू स्केल अप देयर बिजनेस टू ग्रो देयर बिजनेस कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है उसको फंडिंग करने के लिए तो इस केस में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स या इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं वो भी हम लोगों ने लाइसेंस लिया लास्ट ईयर और अब हम उस वेंचर में भी एक्सपेंड करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लॉन्चिंग मल्टीपल फंड्स यहाँ पे जो हमारे की सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के वो बेसिकली एनर्जी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर टेक्नोलॉजी और इस तरह की कंपनीज हैं जहाँ पे हम बेसिक अपनी इन्वेस्टमेंट थीम्स को बिल्ड करेंगे सो so, ये दो बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं अच्छा जो प्राइवेट इक्विटी है इट इज़ नॉट फॉर एवरी वन इट इज़ फॉर ओनली क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स बाई बिकॉज देर इज़ अ हायर डिग्री ऑफ रिस्क इन्वाल्व इन दीज इन्वेस्टर्स क्यों क्योंकि एक तो अनलिस्टेड होती हैं तो इतनी ट्रांसपेरेंसी और वो अवेलेबल नहीं होती प्लस आर लॉन्ग टर्म फंड्स क्योंकि अगर मैंने प्राइवेट इक्विटी फंड लॉन्च करना है तो वो मैं पाँच साल सात साल के होराइजन के ऊपर करता हूँ या इवन दस साल के ऊपर और उसके बाद फिर मुझे एग्जिट मिलता है तो वो पाँच सात दस साल के लिए मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना पड़ता है एवरीबडी डज़ नॉट हैव दैट होल्डिंग पावर तो इसलिए एस सी सी बी ने बड़े क्लियर उसके रूल्स रखे हुए हैं कि ये सिर्फ उन इन्वेस्टर्स को अवेलेबल होनी चाहिए जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं वो हैव सच एन अमाउंट अवेलेबल टू बी एबल टू टेक दैट काइंड रिस्क ठीक है सो kind of so, ये दो चीज़ें हो गई अच्छा उसके अलावा अलफिला जो है आ, वो टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी इस वक्त इन्वेस्टमेंट करें विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग एक्सेसिबिलिटी फॉर आर रेगुलर इन्वेस्टर्स टू बी एबल टू एक्सेस देयर अकाउंट्स ओके. फॉर एग्जांपल अभी हम लोग व्हाट्सएप ट्रांजेक्शन uh, के ऊपर काम कर रहे हैं व्हाट्सएप ट्रांजेक्शन का uh, uh, आसानी यह होगी कि कोई भी इन्वेस्टर व्हाट्सएप के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट रिडेम्शन वन फंड टू अनदर फंड कन्वर्जन या कोई भी इस तरह की ट्रांजेक्शन की इंस्ट्रक्शन दे सकता है विदाउट लॉगिंग इन टू देयर ऑनलाइन अकाउंट विदाउट लॉगिंग इन टू देयर ऐप सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर इंस्ट्रक्शन देगा और वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और अगर रिडेमशन इंस्ट्रक्शन है तो उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे डायरेक्टली और अगर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रक्शन है तो वहाँ से उसने एक इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन जरूर करनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम बैंक टू अल्फलाज अकाउंट एंड वो उसकी इवेस्टमेंट ट्रांजेक्शन मजे की बात इसलिए क्योंकि नब्बे फ़ीसद पे आई डोंट नो आई एम जस्ट थ्रोइंग आउट अ नंबर बट मैंने जितने लोगों को देखा है वो किसी चीज़ से कंफर्टेबल हो किसी ऐप से कंफर्टेबल हो या ना हो व्हाट्सअप से बहुत कम्फर्टेबल इवन बिजनेस जो आज पाकिस्तान में हो रहा है उसकी इंस्ट्रक्शन प्राइमेली आर डन थ्रू वट्स मीडियम लाइकेंट इनिशियव सो आई थिंक वी आर द इंडस्ट्री इज ऑल्सो मूविंग इन द डायरेक्शन वेयर इट विलवीनियंस फॉर द इनवे द ओनली प्रॉब्लम इज दैट इन्वेस्टर्स नीड टू स्टेप अप एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान एक्चुअली हमारे यहाँ आपको पता ही है कि द सेविंग्स रेशो इज़ लोअर दैन अदर कंट्रीज और इवन हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे भी तो ऑबियसली वन द सेविंग्स आर लो तो लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है फिर जिस जिन मिसकसेप्शन की या मिथ्स की आपने बात की वो भी इतनी सारी हैं कि लोग कहते हैं अच्छा ठीक है यार बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो ठीक है ईजी सेफ़ है कोई मसला नहीं है तो क्यों जाना है म्यूचुअल फंड में इसलिए जाना है कि आपने अपने पैसे की जो बाइंग पावर है उसको मेंटेन करना है अगर बढ़ाना नहीं भी है दूसरी बात यह है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट्स बहुत जरूरी हैं वरना वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकती नहीं, आज मेरे पास सौ रुपए है दो साल बाद वो सौ रुपये नहीं रहेगा वो पचास रुपये हो जाएगा बिल्कुल ऐसे क्योंकि इन्फ्लेशन मेरी इकॉनमी में जो है वो पच्चीस के करीब चल रही है साल की तो उसकी बाइंग पावर वैसे ही रिड्यूस हो जाएगी तो अगर उसको मैंने सौ रुपए की वैल्यू पे रखना है तो मुझे बीस परसेंट पच्चीस परसेंट का रिटर्न अर्न करना पड़ेगा एनुअली और उसको कंपाउंड करना पड़ेगा बाय इन्वेस्टिंग इन टू अटेबल इन्वेस्टमेंट क्लास ठीक अच्छा आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने एक मैंशन किया नेबरिंग कंट्री का अब नेबरिंग कंट्री फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया की एग्जाम्पल ले लू जो हमने स्टडी किया था इंडिया में म्यूचुअल फंड्स बेहद पॉपुलराइज हो चुका है वाइड स्प्रेड है क्योंकि हमारे कंपैरिजन ही हमें सबसे अच्छा कंपैरिजन का जो बेंचमार्क है वो लगता ही इंडिया है तो ऐसा क्यों है कि इंडिया हैज अपेरेंटली लुक्स फार फार अहेड एंड पाकिस्तान स्टिल लैगिंग सो बी अच्छा इसमें दो तीन फैक्टर्स हैं अगर हम उसको कंबाइन कर लें एक ये कि इंडिया के अंदर जो एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है ना उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी longer है दे स्टार्टेड ऑफ इन 1960s एंड 1970s Uh, हम लोगों ने स्टार्ट ही अर्ली टू थाउजेंड में की है जो अपना प्राइवेट सेक्टर का एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है उसको तकरीबन so, चालीस साल का को एग्जैक्टली एडवाटेज है, exactly, है? Uh, अच्छा ट्वेंटी लास्ट ट्वेंटी ईयर्स में आर इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन ट्रमेंडसली माशाल्लाह जिस तरह आपने बताया कि 20 साल पहले जब हम लोगों ने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो 100 बिलियन से भी कम की टोटल इंडस्ट्री साइज़ था आज वो 2.2 2.3 ट्रिलियन के ऊपर है ठीक है हैविंग सेट दैट अभी भी हमारे जो कंट्री uh, के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है ना वो उस तरह से इंक्रीज नहीं, नहीं हुआ है, है। उसका रीज़न शायद यही है कि एक तो इन्वेस्टर्स का कंफर्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोडक्ट नॉलेज ठीक है जब वो लिमिटेड होगा तो लोग कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे जब कंफर्टेबल नहीं फ़ील करेंगे तो ऑब्वियसली वो वो लीप नहीं ले सकते कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेके और सिलेक्शन करके अच्छा इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है वो ये कि आपने सिर्फ एक फ़ोन उठा के और एक कॉल मिलानी है टू एनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल अफला का नंबर है यू नंबर है ट्रिपल वन जीरो नाइन जीरो जीरो नाइन जीरो आपने सिर्फ एक कॉल करनी है इस यू के ऊपर और आपने पूछना है कि जी मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं और मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप मुझे गाइड करें तो अगर वो आपको एक तो गाइडेंस मिल जाएगी दूसरी बात यह कि आपको वो अंडरस्टैंडिंग जो डिवेलप करनी है वो सिर्फ एक फ़ोन कॉल हुए यू डोंट हैव टू रीड एनी रीडिंग तो बाद में आती है पहले तो कोई सामने बैठ के आपको समझा दे और आपका हैंड होल्ड कर ले तो दैट इज़ वेरी वेरी मच एक्सेसिबल तो अगर लोग उस ऑप्शन uh, uh, को अवेल करना चाहें तो द ऑप्शन आर देयर ठीक है इसी तरह से आप जैसे मैंने बताया कि ऐप है आपने ऐप डाउनलोड की ऐप के थ्रू आपने रजिस्टर कराया अगर आपने नहीं भी करना है तो आप ना अगर और छोटी अमाउंट से भी करना है तो आप पाँच सौ रुपये से हज़ार तो रुपये से इन्वेस्टमेंट करें स्टार्ट करके देखें अगर आपको कंफर्टेबल लगे आपको चीज़ समझ में आए तो फिर आप उसको बिल्डअप करते रहें बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन्वेस्टमेंट करें अच्छा एक और बड़ी अच्छी आपने बात की थी जो कि अभी मेरे जहन में आ गया देर आर पीपल हु थिंक के ये जल्दी, जल्दी जल्दी जो है ना वो रिटर्न हम जनरेट कर लें डबल ट्रिपल द मनी कर लें ठीक है मसला सिर्फ ये होता है कि वो एक आठ ट्रांजेक्शन में डबल ट्रिपल हो भी जाता है ठीक है लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो आपका जो सौ रुपये है ना वो सौ से ज़ीरो हो जाए या वो सौ से टेन हो जाए बिकॉज दैट रिस्क रिमेन्स जिस तरह हम लोगों ने कहा कि रिस्क रिटर्न का एक ट्रेड ऑफ है तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न कहीं पे अवेलेबल है ना तो वहाँ पे उतना ही ज़्यादा हाई रिस्क भी है जिसको आपने मैनेज करना है पेंशन के बारे में थोड़ा सा बताया पेंशन के बारे में काफ़ी डिस्कशन भी होती है बहुत सारे लोगों का सवाल भी आता है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मौजूद हो दैट कैन हेल्प यू नो इन टू मोर लॉन्ग टर्म थिंकिंग इन टू के बाद में पेंशन से कुछ पैसा बनाया जा सके थिंग्स अलॉन्ग दैट नेचर तो उस पर इफ देर इज एनी थिंग दैट इज अवेलेबल इन द म्यूचुअल फंड ऑप्शन इन आर इंडस्ट्री अच्छा इंटरेस्टिंग एंड थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज एक तो ये दिस सब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट वो बिकॉज पेंशन सेविंग्स की जो रिक्वायरमेंट है न पाकिस्तान में और बिल्डिंग एन इनडिपेंडेंट रिटायर्ड लाइफ दैट इज़ वेरी मच देर हम लोग आई uh, डोंट नो uh, क्योंकि जाहिर है पीछे बहुत सारे uh, uh, ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट uh, employees होते हैं और उनकी पेंशन जो हैं वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट में बिल्डअप हो रही होती हैं तो उनको वो नीड नहीं फील होती बट एज वी कम इन टू द प्राइवेट सेक्टर एक तो प्राइवेट सेक्टर सर्विस वाले एम्प्लॉइज़ हैं और दूसरे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं ठीक है जो एक एज में जाके या एक सर्टन एज ब्रैकेट में जाके उनको लगता है कि यार अब मैं ये अपना काम नहीं कंटिन्यू कर सकता वो मतलब यू you नो know, किसी बच्चे को दे देते हैं टू कंटिन्यू या सेहत इजाज़त नहीं देती है कोई इस तरह की चीज़ तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टेन ट्वेंटी फिफ्टीन ईयर्स वो एक पेंशन अपना अकाउंट बिल्डअप करे ताकि एट दिस एज वेन दे आर अनएबल टू वर्क और कंटिन्यू वर्किंग वहाँ पर उनकी एक रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाए और उसके लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वीपीएस का कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड वॉलन्ट्री पेंशन स्कीम ओके ठीक है अब ये वॉलन्ट्री पेंशन स्कीम है क्यों वॉल्ट्री कहते है क्यों है इसको इसलिए कि इसमें हर इन्वेस्टर ख़ुद अपना पेंशन फंड बिल्ड करता है और उस पेंशन फंड को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेविंग्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू वो रिटर्न कंपाउंडिंग करता रहता है और एट द एज ऑफ 60 और 61, 62, 63 टू सिक्सटी थ्री दे डिसाइड टू रिटायर उसके बाद उनकी एक रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाती है तो ये दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू फॉर ऑल दोज इन्वेस्टर्स जिनका अपना कोई एम्प्लॉई एम्प्लॉयर बेस्ड पेंशन फंड अवेलेबल नहीं है ओके राइट सो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हटा दे अब तो बल्कि इनफैक्ट मैं आपको बताऊं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं के पी हेज़ ऑलरेडी गिवन देयर प्रोविंशियल इम्प्लॉयज़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इम्प्लॉयज़ एंड द ऑप्शन फॉर वी क्योंकि अब उनकी जो रेगुलर पेंशन गवर्नमेंट बेस्ड पेंशन थी अब वो ख़त्म करके उन्होंने वी के अंदर कन्वर्जन कर दिया इसी तरह पंजाब इज नेक्स्ट इन लाइन एंड देन फेडरल सो बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर ये क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनिंग एंड कंटिन्यूइंग द पेंशन फंड्स फॉर लॉन्ग तो अब क्या गवर्नमेंट्स uh, भी ये कर रही हैं कि अपने पेंशन फंड्स को जो आने वाले नए इम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अब कन्वर्ट करा रही हैं इन टू उसमें एम्प्लॉय अपना भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी कॉन्ट्रीब्यूशन उसी में आ जाता है और वो फिर मंथ ऑन मंथ मंथ ऑन मंथ बिल्डअप होता रहता है और एक एज पे जाके उस पेंशन फंड से रेगुलर इनकम आपको दस साल की इनकम प्लान चाहिए फिफ्टीन इयर्स का इनकम प्लान चाहिए वो आपका स्टार्ट हो जाता है सो दैट फ्रॉम सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव या सिक्स थ्री टू सेवेंटी फाइव यू आर कवर्ड विद योर पेंशन इनकम परफेक्ट अच्छा साधु भाई जस्ट क्लोजिंग थिंग्स ऑफ आई वुड वॉन्ट योर फाइनल कॉमेंट्स कि आप ऑडियंस की तरफ स्पेशली यंग पीपल who are probably in the most need of advice with regards to savings and investing. core concepts, core message what would that be? Achha, mein, um, to start off, a concept, the day you start earning your salary or your income, start saving and then spending the rest. Okay. you know, about 10%, who, 15%, or 20%, who, it does not make any difference. like in kuch, kuch aap savings build Dekein, u.s. may 401k plan, hota, you know, the moment i start working as an employee, i have 401k build karna shuru kar deta why? because over a period of 40 years or 38 years or 35 years of my working life, i save and invest. and then after that, i, गेट सफिशेंट इनकम टू लिव इंडिपेंडेंटली एंड हैप्पीली नो सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए तो हर यंग जो भी प्रोफेशनल है उसके लिए एक तो ये चीज़ है दूसरी चीज पहली स्टॉप यू देट पहले एक इन, आपकी इनकम का एक हिस्सा साइड कर लें बाकी हिस्से में से देख लें कि आप महीना कैसे गुजार सकते तो, हैं आपको थोड़ा सा हाथ कसनाज भी करनाइज भी करना दैट इज द प्रॉपर वे टू गो अबाउट

पॉइंट पे आप एक तो इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं और जो रिटर्न मिल रहा होता है उसके ऊपर भी आपको हर साल रिटर्न मिल रहा होता है यानी आपने एक साल रिटर्न एंड किया उस रिटर्न के ऊपर भी आपको रिटर्न मिला अगले साल दो साल का रिटर्न उसके ऊपर भी तीसरे साल आपको रिटर्न मिला तो इस तरह कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाती है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप यंग एज से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास वो टाइम पीरियड होता है यानी कि इतना लॉन्गर ड्यूरेशन अवेलेबल होता है कि आप कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं ना तीसरी चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है वह है डाइवर्सिफिकेशन ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स और कीप योर इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाइड इसको कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट ठीक है सो डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज में इन्वेस्टमेंट करें डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करें एंड लेट एवरी इन्वेस्टमेंट ग्रो ऑन इट्स ओन एट इट्स ओन पेस ठीक है उससे होता क्या है कि रिस्क हेजिंग भी हो जाती है अगर आपकी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कोई नेगेटिव कोई रिटर्न uh, आया भी है या नेगेटिव उसका कैपिटल uh, के ऊपर हिट भी आई है तो रिमेनिंग आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो क्योंकि पॉजिटिव हो रही होंगी तो इसका आपको नेगेटिविटी पता भी नहीं चलेगी यू you नो know, तो, तो, तो रिस्क हेजिंग भी हो रही होगी ये तीन प्रिंसिपल थैंक यू सो मच साध भाई फॉर बींग अस टुडे रिमार्केबल इनसाइट्स अगर किसी को मुझे लगता है म्यूचुअल फंड का एक प्राइमर करना हो या कोर्स करना हो तो ये कॉन्वर्सेशन को जरूर सुने uh, नाजरीन हम लोगों ने आज क्या क्या चीज़ें डिस्कस की म्यूचुअल फंड्स क्या हैं उनके एग्जाम क्या हैं बेनिफिट्स uh, क्या हैं पेंशन के बारे में कंपेरिजन के बारे में एवरी थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट म्यूचुअल फंड इज वरी मच कवर्ड इन दिस लेकिन इन बातों को एजुकेशन पर्पजेज के लिए लें नॉट एज इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू इंक्रीज योर अबिलिटी और योर इन्वेस्टमेंट स्किल्स और योर फाइनेंशियल एक्मेंट वी हैव कोर्सेज अवेलेबल और डॉट कॉम Until next time, khuda hafiz.